एसी के अंदर ना यस सर रिएक्टेंस के बारे में। यस सर ठीक है, तो रिएक्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रिएक्टेंस? ठीक है, तो रिएक्टेंस इज जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे रिएक्टेंस क्या होता है, एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। कैसा रेजिस्टेंस होता है, जैसे रेजिस्टेंस के अंदर इस तरह का सिंबल होता है ना, यस सर, और इस रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना, अपोज करना, यस सर। उसी तरह की क्वालिटी इंडक्टर में, ठीक, और कैपेसिटर में जनरेट होती है। इसी तरह की क्वालिटी, किस तरह की क्वालिटी, जैसे रेजिस्टेंस के अंदर अपोज करने की क्वालिटी होती है, वैसे ही सेम क्वालिटी इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर भी होती है। और इन्हीं क्वालिटीज को नाम दिया गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझा? हाँ, इन कंडीशंस को जानेंगे हम लोग एक बार इंडक्टिव रिएक्टेंस में और एक बार कैपेसिटिव रिएक्टेंस में। क्लियर? पूछा और किसी को? नहीं। अच्छा, तो सबसे पहला नंबर आता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब जब इंडक्टिव आ गया है तो हमें इंडक्टर के बारे में भी जानना आवश्यक है। व्हाट इज इंडक्टर? तो इंडक्टर ये डिवाइस विच हैज द शेप ऑफ टर्निंग कॉइल, यानी कि एक टर्नेबल कॉइल की तरह शेप में होता है। इसमें लगा है क्या? ये देखो, अच्छा इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, ठीक है, दिख रहा है ये इंडक्टर? यस सर। और आगे ये आप लोग देख लीजिए, ये इंडक्टर है। अब इस इंडक्टर में आपको कॉपर वाइंडिंग, कॉपर वायर लपेटा हुआ दिखता है। और ये वाले इंडक्टर का काम क्या होता है, ये वाले इंडक्टर का काम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस को पूरे सर्किट में क्या करना, मेंटेन करके रखना। समझा? जैसे यहाँ पे इस सर्किट में हर एक कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक वर्क है और एक उनका लिमिटेशन है। जैसे जैसे मान के चलो कि ये वाले कैपेसिटर का काम इतने दूरी में है, इतने में है, तो इतने दूरी में वो देखेगा। इस वाले कैपेसिटर का काम थोड़ा बड़ी दूरी में है, ठीक। उसी तरह इस वाले इंडक्टर का काम क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस मेंटेन करना इस डिपार्टमेंट में जहाँ पे इसकी आवश्यकता है। जहां जहां पे ये डिवाइसेस कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, देखो एक इंडक्टर और दिखाऊं, ये देखो, ये देख रहे हो? यस सर। हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको टर्न कर देता हूँ मैं, तोड़ के निकाल लीजिए सर। लग गया? लग गया, पट्टी कर दीजिए सर, हाथ धो लीजिए, पॉज कर दो। देखो ये है इसके इंडक्टर के ऊपर का, इसको कहते हैं डस्ट, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डस्ट होता है। वो ब्लैक कलर का है? हाँ, ये ब्लैक कलर का है। ये बिल्कुल, हाँ ये देख रहे हो, ये वाला इसको कहते हैं EHT, मैग्नेट जैसा दिखता है, एक तरह का ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। इसमें से DC वोल्टेज आउटपुट होता है। अच्छा, ये देख रहे हो, ये जो लगा हुआ है इसमें बीच में से निकल के, इसको कहते हैं डस्ट, शॉर्डस्ट होता है। शॉर्डस्ट करने का मतलब है ना कि इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको करके और ये बनाया जाता है, ठीक है, मतलब उसी से ये बनाया जाता है। और हाँ, ये किसे जानते हैं काम क्या होता है, ये जैसे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस की वैल्यू क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ाता है उसको, बढ़ाता है, ठीक है, इस डस्ट की मदद से बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आप सबको देख लो, ये वाला उठा के देखो ना, उठा के देखो ये वाला डस्ट, ठीक है, सबको शिफ्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है, उसके बाद ये देखो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, सुनेंगे तो हम तो सुन भी करेंगे, लेकिन आप लोग देख लो, मैग्नेट थोड़ी है, खराब है ना सर ये? नहीं तो सर, क्या आप खराब कर रहे हैं? ऐसे ही बनेगा ना, आज कुछ तूफानी करते हैं। डस्ट, इलेक्ट्रिकल डस्ट, वो भी सेम है, कॉपर, ये इंडक्टर, ये इंडक्टर इसी तरह का होता है।
इसमें दो वायर होते हैं, ये वाला अलग अलग, आओ हाँ बोलिए क्या कहा, अलग अलग, हाँ तो वो दोनों आपस में चिपके हुए हैं ताकि उनकी जैसे जैसे मान लो एक एक उस डिस्क है उसका, अगर वो एक एक मिली टेस्ला बढ़ा रहा है तो दो डिस्क लगा देंगे तो कितना बढ़ा देगा, दो मिली टेस्ला बढ़ा देगा ना, तो दो लीजिए सर, क्लियर हुआ ये वाला, ये हो गया आपका इंडक्टर। अब इसी के ऊपर उसको क्या किया गया था, चिपका दिया गया था ताकि जब ये प्रोड्यूस करे तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सर ये मैग्नेट वर्क कर रहा है, हाँ तो कह तो रहा हूँ ना कि वो डस्ट है, मैग्नेटिक डस्ट है जो ज्यूमेटिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। क्लियर हुआ? अच्छा अच्छा ये बताइए इसमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किसमें, उसमें इस वाले इंडक्टर में उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मैग्नेट की फ्लक्स, उस डस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इंड्यूस ईएमएफ शायद था इस वाला, नहीं ताकि इसकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो क्या हो सके, बढ़ सके, और हम चाहते तो इसकी साइज भी बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने वो हमने मैग्नेटिक डस्ट क्यों लगाया इसके ऊपर, हम चाहते तो इस इंडक्टर की साइज बढ़ा दे सकते थे लेकिन हमने मैग्नेटिक डस्ट क्यों लगाया, ये सारे अच्छे सवाल है, आंसर बताते हैं हमें। तो देखो हम और जब इससे बड़ा लगाते ना तो उसकी मैग्नेटिक वैल्यू क्या होती, अलग होती, और जो इस सर्किट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हमने इतने छोटे इंडक्टर पे जो ही वो दो डॉट जो ही वो दो दोनों वो डस्ट लगाया ना इसके ऊपर, तो अगर हमको आवश्यकता है 3.14 मिली टेस्ला की, तुरंत वो प्रोवाइड कर देता, और इतना शार्प बड़े करने पर नहीं हो पाएगा, बड़े करेंगे तो वैल्यू कैसे पता चलेगी, अच्छा वाइंडिंग लपेटेंगे हम, क्या पता 4 मिली टेस्ला निकल गया, मतलब उसको हम नहीं एग्जैक्ट कर पाए, एग्जैक्ट की बात है समझा, तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? और क्या ये हर एक इंडक्टर में होता है, अकेले कैपेबल नहीं रहता है वो, इसके लिए जैसे एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और एक जैसे मान चलो कि आप ज्ञान दे रहे हो वही जगह, और वहीं पे आ जाए माइक, तो वो ज्ञान जहाँ 10 लोगों को मिल रहा था अब वो किस 100-200 लोगों को मिलेगा, हाँ या ना, ये बिल्कुल उसी तरह का रेंज बढ़ा देता है। ठीक है देखो यहाँ पे देख रहे हो इसके आगे बिल्कुल ई शेप में लगा हुआ है, ये ई शेप में, ये भी मैग्नेटिक डस्ट ही है। वर्किंग कैसे होती है इसकी, जैसे इसके अंदर से जब मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जैसे पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर होते हैं, वैसे बढ़ा देते हैं, ये बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इससे आपकी जान जा सकती है डीसी से ना, और डीसी से जान जाती है, बहुत हाई वोल्टेज से प्रोड्यूस होता है। इंडक्टर के बारे में कोई दिक्कत किसी को नहीं, सबने देख लिया, फिजिकल भी देख लिया, इंडक्टिव इंडक्टर आप लोगों ने देख लिया, मैग्नेटिक डस्ट भी जान लिया, ठीक है उसका उपयोग भी आप जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है इसमें जो रेजिस्टेंस लगता है, किसमें, तो मतलब इसमें जो अपोजिट रेजिस्टेंस लग रहा है, रिएक्टेंस है, यानी जो अपोज कर रहा है इंडक्टर के अंदर, वो क्या है, तो वो है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, देख लीजिए वो आप लोग नोट्स लिखिए, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या ये बिल्कुल सिमिलर है रेजिस्टेंस की तरह, तो इसी तरह की प्रॉपर्टीज की बात के लिए हम कहते हैं इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर हुआ? अब इंडक्टिव रिएक्टेंस को दिखाते हैं हम लोग XL से, ठीक है, तो जहां पे भी XL दिख जाए वहां समझ जाइए कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके नेक्स्ट है XL इज इक्वल टू, XL की वैल्यू क्या है,
तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल की वैल्यू जानते हैं, ठीक है। तो एक्सेल की वैल्यू है ओमेगा एल, और ओमेगा एल की वैल्यू 2πfL, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2πf होती है। ये पता है कैसे आता है? यस सर, पता है ना? यस सर। हाँ या ना? नहीं सर। चलिए तो जान लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, पता है ना? तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π, 1/T इज इक्वल टू f, 2πf, क्लियर? यस सर। चलिए, जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग हाँ ना कर दिया करो, उसको क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है, मन में नहीं रखना है कुछ। नेक्स्ट है वो xl इक्वल टू 2πfL हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो फिर xl जो है वो क्या है, f के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर। तो आपकी फ्रीक्वेंसी आप किसकी बढ़ाओगे, करंट की, कौन से करंट की, एसी की, क्लियर हुआ? तो इसी ना जो डिवाइसेस इंडिया में बनते हैं और जो डिवाइसेस बाहर बनते हैं अमेरिका में, उन दोनों के कंपोनेंट के उपयोग में अंतर आ जाता है। yes, sir. क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो डिवाइसेस बनते हैं वो 60 हर्ट्ज पे बनते हैं, हाँ 60 हर्ट्ज को मानते हुए बनते हैं, और इंडिया में कितने को, 50 हर्ट्ज को। तो इसलिए अलग अलग तरह के इंडक्टर का प्रयोग उनके अंदर किया जाता है, क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अमेरिका में फ्रीक्वेंसी पता है ना 60 हर्ट्ज, और इंडिया में 50, ठीक है, जैसे दिमाग में रखिएगा, कभी पूछ सकता है। और ये एल को क्या बोलते हैं, एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ इंडक्टेंस। इसके बारे में जानते हैं आप कम पढ़ेंगे, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग EMI, इंडक्शन, ठीक है, वहां पे आप एल के बारे में जाएंगे, क्या है ये सेल्फ इंडक्शन, याद है ना, हल्का फुल्का भूले नहीं ना दिमाग से, एकदम कंप्लीट वैनिशिंग नहीं ना हुई है, खोलेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो ग्राफ, ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा ग्राफ है? आइडेंटिटी नहीं, हां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली है, तो ग्राफ आइडेंटिटी बनेगा, कांस्टेंट f बनाएंगे तो एक्सेल। यस सर। नेक्स्ट है, उसके बाद अब बात करते हैं, इंडक्टिव तो हो गया, अब किसकी बात करेंगे, कैपेसिटिव। अच्छा, जब आप सोच रहे हो तो रेजिस्टेंस भी आता है, पर हम रेजिस्टेंस की बात क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे रेजिस्टेंस की बात, ये बात पता है? नहीं। क्योंकि रेजिस्टेंस की बात हमने बचपन में करी है, क्लास 10th में, नाम था ओम्स लॉ, फिर क्लास 12th में भी करी, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ओम्स लॉ। इस वजह से नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हो उसको, ओम्स ने क्या बोला था कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, समझ गए? तो अब किसकी चर्चा करेंगे हम लोग, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिखाते हैं हम लोग किससे, एक्सिस, ठीक है, और सी माने कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस। तो एक्सी इज इक्वल टू 1/ωc, ठीक है, जिसको फर्दर हम नोट कर सकते हैं 1/2πfc, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो पता चलेगा कि जो xc है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, सब पता दिखता है? यस सर। हां या ना? यस सर। अब ग्राफ कैसा बनेगा, काम होगा, हां रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ग्राफ का नाम याद रखिए, दिस ग्राफ इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये ग्राफ कब बनता है, तो सब 90% टाइम फिजिक्स में यही ग्राफ बनता है, 90% टाइम, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बनाओगे तो बेनिफिट में रहोगे, जैसा कि हम आप इसको चेप देंगे, चेप तो परपेंडिकुलर बनता नहीं, कम से अगर ऐसा रिलेशन दिख जाए, कैसा रिलेशन, इनवर्सिबल रिलेशन, रिलेशन कर रहा हूँ, रिलेशन, रिलेशन दिख जाए तो आप एकदम अखिया मून के बनाएंगे इसको, बेटा आंख में तो बहुत कुछ हो रहा है और ये नहीं बन सकता, हो जाएगा, अब हो जाएगा। चलिए, क्लियर हुआ, आया ना? यस सर। समझ में आया? यस सर। ये था कैपेसिटिव रिएक्टेंस का केस। नेक्स्ट बात करेंगे वाटलेस करंट। इसमें थोड़ा सा ना जंबल जंबल कर दिया है, हम लोग पढ़े हैं किसी और ऑर्डर के साथ, yes, और इसमें
पहले बात की चीज पहले लिख दे या पहली चीज बाद में लिखे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है वॉटलेस करेंट। वॉटलेस करेंट क्या होता है? करेंट इन विच प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव, मतलब जो कि ऐसा, मतलब कि जो करंट है वो क्या हो, प्योरली इंडक्टिव हो, या तो प्योरली क्या हो, कैपेसिटिव हो एसी सर्किट, व्हेन एवरेज पावर कंजम्पशन एसी सर्किट इज जीरो, जो टोटल पावर है ना उसके अंदर कंज्यूम हो रहा है वो क्या हो, जीरो। तो जब एवरेज पावर जीरो होगा ना, तो भले ही पोटेंशियल मूव कर रहा हो, करंट की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इस चीज को बोलते हैं वॉटलेस करंट। क्लियर हुआ? तो कभी कभी जो स्पार्क होता है ना, स्पार्क जो देखते हैं उसके अंदर करंट नहीं होता है, वो पोटेंशियल होता है। नहीं समझे क्या होता है पोटेंशियल? हमें पोटेंशियल दिखता है, पोटेंशियल का हम फील कर सकते हैं। कैसे? वही मैं बोला था कि वो जो चार वायर लगे होते हैं ना पोल पे, वो चौथे वायर में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पर वो न्यूट्रल होता नहीं है, होता क्या उसके अंदर, पोटेंशियल अवेलेबल, बस करंट नहीं होता है उसके अंदर। ठीक है? और करंट जब होगा ना, तभी तो आपको झटका देगा खतरनाक वाला। करंट, व्हाट इज द करंट? करंट इज द पावर, करंट इज द इंटेंसिफाइड पावर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। करंट एक ऐसा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी का जो आपको एहसास कराता है कि मैं हूं। पोटेंशियल में नहीं होगा, पोटेंशियल में वो सर्किट को कंप्लीट, जस्ट लाइक अ ब्रिज। जब वो ब्रिज बनाते हैं सब ना, तो करंट वहां फ्लो करता है। अच्छा, तब जाके चार्ज फ्लो होता है। तो समझ आया? ये प्योरली इंडक्टिव से क्या मतलब है? प्योरली इंडक्टिव करने का मतलब कि केवल इंडक्टर मौजूद हो या केवल कैपेसिटर मौजूद। दिस इज नोन एज प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटर। उससे क्या मतलब है? दोनों का काम तो रेजिस्ट करना ही है। तो इसीलिए दोनों दे दिया ना आपको, तो तीन टेप पढ़ रहे हो, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो कैपेसिटर की जगह हम इंडक्टर यूज कर सकते हैं। सपा बोल रहा है और लिखा है, और लिखा नहीं होगा, नहीं देखें क्या? तो उसमें देख लीजिए ना, इमरान मतलब मत करो, नहीं करना है सब इसी का सब दोबारा। चलिए नेक्स्ट है, हम लोगों ने कल फेजर डायग्राम के बारे में चर्चा करी थी। यस सर, कोई दिक्कत है फेजर डायग्राम के बारे में? यस सर। बताना है किसका कहाँ बनेगा, क्या चीज आगे है? अच्छा, वो भी कहाँ बताना है? फेजर डायग्राम के बारे में चर्चा करी थी। देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करेंट एंड वोल्टेज बाई रोटेटिंग वेक्टर ऑन द आर्गेंट प्लेन इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। अच्छा, समझा? यानी किसी भी आर्गेंट प्लेन करने का मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जब हम एसी करंट और पोटेंशियल को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो इन्हीं दोनों के प्लॉटिंग के बीच में जो डिफरेंस निकल के आता है उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, और पूरे डायग्राम को बोलते हैं फेजर्स या फेजर डायग्राम। यस सर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, यानी एसी सर्किट कितने टाइप्स होते हैं। तो कितने होते हैं? वो तीन थे होते हैं। कितने होते हैं? तीन थे। कौन कौन थे? तो पहला है ऐसा सर्किट जिसके अंदर क्या लगा हो, रजिस्टर लगा हो, क्या लगा हो, रजिस्टर, तो उसको बोलते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। क्लियर? तो इसके लिए है हमारे पास V इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या होती है, V बाई R। तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका, ये ओम्स लॉ है, ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा आपका, I इक्वल टू V, ये बनेगा आपका I इज इक्वल टू V बाई R, V नॉट साइन ओमेगा। हाँ, तो I इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी बाई R। ठीक है? और जो V नॉट बाई R की वैल्यू क्या होगी, तो V नॉट बाई R की वैल्यू होगी I नॉट। तो यहां से हमने पोटेंशियल का उपयोग किया और करंट क्या दिया, निकाल दिया। इसका मतलब कि दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है, जीरो है, सेम चीज, जीरो है। अच्छा, जीरो है तो इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल भी। समझ आया? यस सर। क्योंकि आपने इसका प्रयोग करके, पोटेंशियल का प्रयोग करके क्या निकाल दिया आपने, करंट, करंट निकाल दिया, और दोनों में कोई डिफरेंस भी आपको नहीं। क्लियर हुआ? यस सर। तो इसका ग्राफ पता ना कैसे बनता है? यस सर, यही ग्राफ, आइडेंटिटी,
क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट है इसका, हाँ एक ये तो दिख गया ना, ये वाला अगर आप जान लेना, ये वाला, ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसको ले लो आई और इसको ले लो बी, समझ गए? यस सर। चलो नेक्स्ट है एसी, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, यानी ऐसा एसी सर्किट जिसके अंदर क्या मौजूद हो, कैपेसिटर, केवल कैपेसिटर मौजूद हो, तो बना दिया जाए उसको। यस सर। चलिए देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक कैपेसिटर लगाया, ठीक है, कैपेसिटर लगाया है, तो सबसे पहले कैपेसिटर है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और पता है ना क्यू इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला, तो हमारे सामने बनेगा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आया ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ सी वी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, बोलिए आया ना? और v की वैल्यू क्या है, इंटेलिजेंट निकल गया, तो I इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी टी वी नॉट साइन ओमेगा टी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लाइन में वी नॉट वो आ गया बाहरवा, तो I इज इक्वल टू सी वी नॉट, और डी बाई डी साइन ओमेगा टी हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, तो सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, वो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा आपका, ये देखिए ये क्या है, ये किस में है, साइन में, और ये किस में है, कॉस में, दोनों का फेज अलग अलग, सबसे पहले इन दोनों को सिंगल फेज में लाएंगे, इन दोनों की आइडेंटिटी सेम करेंगे, तो हमें अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स के छात्र हमें मालूम है कि प्लस माइनस पाई बाई टू पे और प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू पे ये साइन कॉस में, टैन कॉट में और सेक कॉसेक में, और इनके वाइस वर्सा होते हैं, होते हैं ना, ठीक। तो अभी क्या है, ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, तो जब ऐसा होगा तो कैसा होगा, आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ठीक है, जिसमें आगे लग जाता है यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, मतलब पेज रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ बनता है आई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो सी वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई माइनस, हम माइनस नहीं लेंगे, हम प्लस ले लेंगे, क्योंकि दोनों पे प्लस पे भी और माइनस, तो हम माइनस वाला पार्ट नहीं लेंगे, हम किस वाला पार्ट ले लेंगे, प्लस वाला, तो माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस वाला पार्ट। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, इसका मतलब कि जो आई है ना कैपेसिटर का, उसका जो फेज डिफरेंस में कितने की अंतर है, पाई बाई टू का, और इसके में है कि नहीं अंतर, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये सी वी नॉट ओमेगा, यानी सी वी नॉट ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट हो जाएगी ना, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू में क्या हो रहा है, लीड हो रहा है, क्या हो रहा है, लीड हो रहा है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बन जाएगा, ये क्या हो गया आपका बी का, तो ऊपर से ये सर वाई नॉट कहां से है, ये इसकी वैल्यू को हम लोग पूरे को आई नॉट कहते हैं, आया नहीं कहीं से, उसी को कहते हैं, क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है, देखो थोड़ा मिला लो, कहीं डाउट नहीं ना बन रहा है, डाउट बन रहा है वहीं पे, कहाँ पे, आई नॉट दिस है, आई कहाँ मेंशन है, आई नॉट मेंशन है, देखो आई नॉट मेंशन है, वी नॉट सी ओमेगा है, वी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी कर दिया है, जिसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं आई नॉट, मतलब हुआ नहीं, नहीं मतलब हुआ, देखो ये यहाँ पे सी नॉट ओमेगा है ना, उल्टा करने का मतलब नहीं है यहाँ पे कोई, उल्टा नहीं करेंगे तो वैल्यू निकल के नहीं आएगी, वो जान बुझ के उल्टा करना है, अब आपको कैसे पता चला ना, आपको करना ही है,
अच्छा मतलब एकदम फिक्स है वो चीज़. ये डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल नहीं कि अपने मन से चेंज हो जाएगा. इसका डेरिवेशन फिक्स है वो. कैसे भी आंसर लाना. नहीं कैसे भी कैसे, उसके पास क्वालिटी है ना कैसे आया वो. जैसे ये बताओ कि I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना. यस सर. हाँ या ना. ठीक. और हमें पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है कि नहीं होता. yes, है. और यहाँ पे आपको ओमेगा सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. yes, है. तो अगर हम वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी कर दें. hmm. तो ये डिटेल में मतलब यही होता है ऊपर वाला ही. ठीक है. लेकिन 1 अपॉन ओमेगा सी का मतलब क्या हो जाएगा. एक्सी. अच्छा. और एक्सी इज व्हाट रेजिस्टेंस. और वी अपॉन आर इज इक्वल टू आई. Yes, अब समय आ रहा. yes, तो यहाँ पे क्या आई नोट लिख सकते हैं. yes, हमने समझा कि आप लोग को समझ में आ रहा था. वो नहीं आ रहा था. नहीं डायरेक्टली अभी आ रहा है. yes, sir. क्लियर हुआ ना. yes, sir. चलिए ठीक. बाय कल देखा जाएगा. ठीक है सर.